हेलो एसजीटीबी स्टूडेंट्स, आई एम जसप्रीत फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल एनएच 9 डिंगडोर सिरसा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 5। नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2010 ऑन पेज नंबर 45। इसके अंदर सबसे पहले हम रीड करेंगे कि अप्लाइंग द टेक्स्ट इफेक्ट्स, कि टेक्स्ट इफेक्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं। The text effects button allows you to apply some pretty cool effects to your text. इसमें क्या होता है, हम कोई भी cool मतलब ये जो effects दिए गए हैं apply कर सकते हैं। To applying the text effect, follow the given steps. Step 1, select the text you want to apply. पहले हमने to the effect जो भी जिसके ऊपर भी आपको effect डालना है उसको पहले सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट को। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट बटन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप टेक्स्ट इफेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। फ्रॉम द इफेक्ट्स दैट अपीयर्स सेलेक्ट द इफेक्ट यू वांट टू अप्लाई। आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी आपको सेलेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज अलाइनिंग द टेक्स्ट। अलाइनिंग The position of the text or the way the text is set with the respect to the margins in the documents is called alignment. Means कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को की पोजिशन को सेट करना है कि कहाँ पर लगाना है, देर आर फोर अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन द एमएस वर्ड। चार अलाइनमेंट अवेलेबल है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ओके, चेंजिंग अलाइनमेंट, टू चेंज द अलाइनमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन होम टैब, आफ्टर दैट क्लिक ऑन वन ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शंस इन द पैराग्राफ ग्रुप। इफ वी क्लिक अलाइन लेफ्ट बटन द टेक्स्ट अलाइन अप एट द लेफ्ट मार्जिन। अगर हम कहां पर क्लिक करते हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी लेफ्ट में है। इफ वी क्लिक ऑन द अलाइन सेंटर बटन द टेक्स्ट इज सेंटर्ड इन बिटवीन द लेफ्ट ऑफ द राइट मार्जिन इन ईच लाइन। मतलब कि अगर हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को इधर सेंटर में करते हैं तो ये लेफ्ट और राइट से सेंटर में इसके बीच में हो जाता है। इफ वी क्लिक ऑन अलाइन राइट, अगर हम अलाइन राइट पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट इज अलाइंड अप एट द राइट मार्जिन, ये कहां हो जाएगा, अलाइन राइट पर करते हैं तो राइट मार्जिन पर। इफ वी क्लिक ऑन जस्टिफाई बटन द टेक्स्ट इज अलाइन अप एट द लेफ्ट एज वेल एज राइट मार्जिन। अगर हम जस्टिफाई पे करते हैं, अगर ये राइट पे है तो ये लेफ्ट पर हो जाएगा, अगर लेफ्ट तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट है अप्लाइंग बॉर्डर्स। यू कैन डेकोरेट योर डॉक्यूमेंट एंड मेक इट अट्रैक्टिव बाई अप्लाइंग अ बॉर्डर टू द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और टू द होल पेज। आप जो टेक्स्ट है उसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो और पूरे पेज पर भी अप्लाई कर सकते हो। टू अप्लाई अ बॉर्डर सेलेक्ट द टेक्स्ट, फॉलो द गिवन स्टेप। सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, फिर उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन बॉर्डर ऑप्शन इन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास ये बॉर्डर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट, अगर हमने ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल बॉर्डर भी हो जाएगा, तो ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर बॉर्डर भी। ओके, और इसने कहा, क्या कहा है कि बॉर्डर एंड शेडिंग ग्रुप में हम जाएंगे तो हमने क्या करना है, स्टाइल, क्लिक ऑन बॉर्डर टैब एंड बॉर्डर एंड शेडिंग इन बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में ग्रुप में। ओके, डायलॉग बॉक्स जो ये है उसके अंदर चूज अ बॉर्डर स्टाइल एंड कलर, क्लिक ऑन ओके। जो भी बॉर्डर स्टाइल लेना है या कलर लेना है, इसमें स्टाइल्स दिए गए हैं, कलर दिए गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको अप्लाइंग एन आर्टिस्टिक बॉर्डर, फॉलो दीज स्टेप्स, यू कैन अप्लाई एन आर्टिस्टिक बॉर्डर टू अ पेज। सबसे पहले क्लिक ऑन पेज बॉर्डर, कहां क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पर, इसके अंदर पेज बॉर्डर। ओके,
unpaid border tab at the bottom you will see box called art. हम box देख रहे हैं जिस art वाला, ठीक है. इसके अंदर क्लिक, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने ये किया, ओके, तो ये अप्लाई हो गया बॉर्डर पूरे पेज पर. ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमें शेड अप्लाई करना है टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट विजुअल अट्रैक्टिव यू कैन अप्लाई शेडिंग टू इट. अगर आपने अट्रैक्टिव दिखाना है तो आप शेड भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, टू अप्लाई शेडिंग फॉलो द स्टेप्स. सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे. ओके, उसके बाद होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग में जाएंगे और जो भी हमने शेड देनी है, जैसे मैंने ये लाइट शेड दी है, क्लिक द शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप, चूज अ कलर, देन अप्लाई, वो अप्लाई हो जाएगा.